होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9 होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9 हे इस्राएल, तू देश देश के लोगों की नाई आनंद में मगन मत हो, क्योंकि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बनी। तूने अन्न के एक एक खलिहान पर छिनाल की कमाई आनंद से ली है। वे न तो खलिहान के अन्न से तृप्त होंगे और न कुंड के दाख मधु से, और नए दाख मधु के घटने से वे धोखा खाएंगे। वे यहोवा के देश में रहने न पाएंगे, परंतु एप्रेम मिस्र में लौट जाएगा और वे अश्शूर में अशुद्ध अशुद्ध वस्तुएं खाएंगे। वे यहोवा के लिए दाख मधु अर्घ जानकर न देंगे और न उनके बलिदान उसको भाएंगे, वरन शोक करने वालों किसी भोजन वस्तु ठहरेंगे। जितने उसे खाएंगे सब अशुद्ध हो जाएंगे, उनकी भोजन वस्तु उनकी भूख बुझाने ही के लिए होगी। वह यहोवा के भवन में न आ सकेगी। नियत समय के पर्व और यहोवा के उत्सव के दिन तुम क्या करोगे? देखो, वे सत्यानाश होने के डर के मारे चले गए, परंतु वहां मर जाएंगे और मिस्री उनकी लोथे इकट्ठी करेंगे और मोप के निवासी उनको मिट्टी देंगे। उनकी मनभावनी चांदी की वस्तुएं बिच्छू पेड़ों के बीच में पड़ेगी और उनके तंबुओं में झड़बेरी उगेगी। दंड के दिन आए हैं, पलटा लेने के दिन आए हैं, और इस्राएल यह जान लेगा कि उनके बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण भविष्यवक्ता तो मूर्ख और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बावला ठहरेगा। एप्रेम मेरे परमेश्वर की ओर से पहरुआ तो है, भविष्यवक्ता सब मार्गों में बहेलिए का फंदा है और वह अपने परमेश्वर के घर में बैरी हुआ है। वे गिबा के दिनों की भांति अत्यंत बिगड़े हुए हैं, सो वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। मैंने इस्राएल को ऐसा पाया था जैसा कोई जंगल में दाख पाए, और तुम्हारे पुरखों की दृष्टि थी जैसी अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है, परंतु उन्होंने पोर के बाल के पास जाकर अपने तय उन वस्तु को अर्पण कर दिया जो लज्जा का कारण है और जिससे वे मोहित हो गए थे, उसी के समान घिनौने हो गए। एप्रेम जो है उसका विभव पक्षी की नाई उड़ जाएगा, न तो किसी का जन्म होगा, न किसी को गर्भ रहेगा और न कोई स्त्री गर्भवती होगी, चाहे वे अपने लड़के बालों का पालन पोषण कर बड़े भी करे तो भी मैं उन्हें यहां तक निर्वंश करूंगा कि कोई भी न बचेगा, और जब मैं उनसे दूर हो जाऊंगा तब उन पर हाय होगी। जैसा मैंने सोर को देखा वैसा एप्रेम को भी मनभाव स्थान में बसा हुआ देखा, तो भी उससे अपने लड़के बालों को घातक के सामने ले जाना पड़ेगा। हे यहोवा, उनकी दंड दे। तू क्या देगा? यह कि उनकी स्त्रिया के गर्भ गिर जाए और स्तन सूख जाए। उनकी सारी बुराई गिलगाल में है, क्योंकि वही मैंने उनसे घृणा की। उनके बुरे कामों के कारण मैं उनको अपने घर से निकाल दूंगा और उनसे फिर प्रीति न रखूंगा, क्योंकि उनके सब हाकिम बलवा करने वाले हैं। एप्रेम मरा हुआ है, उनकी जड़ सूख गई, उनके फल न लगेगा, और चाहे उनकी स्त्रियां बच्चे भी जने तो भी मैं उनके जन्मे हुए दुलारों को मार डालूंगा। मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने उसकी नहीं सुनी। वे अन्य जातियों के बीच मारे मारे फिरने वाले होंगे।